प्लंबर। एक गांव में विजय नायक नाम का एक बूढ़ा प्लंबर रहता था। उस गांव में उसका एक प्लंबर के हैसियत से बहुत अच्छा नाम था। उसके बेटे का नाम था संजीव नायक। वो कोई काम धंधा ना करते हुए बेकार घूमता रहता था। ये देखकर माँ बाप बहुत दुखी होते थे। एक दिन उसकी माँ, अरे बेटा, अब तुम्हारे पिताजी काम नहीं कर सकते, उनकी उम्र हो चली है। अब से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्लंबिंग का काम सीखने के लिए कई बार कहा, पर तुमने बात मानी ही नहीं। अब क्या करोगे, कैसे पैसे कमाओगे? अरे माँ, प्लंबिंग का काम कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। सीखने के लिए कोई भी कर सकता है। कल से देखना, मैं अपना टैलेंट कैसे दिखाता हूँ। एक दिन संजीव एक घर गया। घर का मालिक, ये क्या अपने पिताजी के बदले में तुम आए हो? ठीक है, अब बाथरूम के गीजर में पानी गर्म नहीं हो रहा है, देखना क्या हुआ। पिताजी रिटायर हो गए हैं, ये बहुत छोटा सा रिपेयर का काम है, यूं चुटकी बजाते ही ठीक कर दूंगा, आप देखते जाइए। बाद में गीजर में जैसा दिल किया वैसे छेड़खानी करने लगा, फिर पैसे लेकर चला गया। घर के मालिक नहाने के लिए बाथरूम में जाकर शावर को ऑन किया, बस गर्मा गर्म पानी उसके ऊपर से गिरा और धुआं निकलने लगा। बाप रे, अरे बदन जल रहा है, कहकर वो चिल्लाने लगा और बाहर दौड़ा। बाद में संजीव नायक को पकड़कर खूब मारा। एक दिन एक व्यक्ति नहा रहा था कि अचानक पानी बंद हो गया। वो साबुन के झाग के साथ बाहर निकला और संजीव नायक को फोन किया। संजीव नायक ने बाथरूम की जांच की और, सर, सारे पाइप में जंग लग गया है, नल भी टूट गए हैं, तुरंत टैप बदलना होगा। साधारण नल फिट करूं या अमेरिकन टैप लगाऊं? अमेरिकन टैप? वो क्या है? अमेरिकन टैप लेटेस्ट मॉडल है सर, आप ताली बजाओगे तो पानी आएगा। फिर पानी को बंद करने के लिए घर के किसी भी कमरे से ताली बजा सकते हैं, पानी अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो फिर मुझे अमेरिकन टैप ही लगा दो, कीमत कितना भी हो चलेगा। यूं उसने साधारण टैप लगाया। उसे फिट करना नहीं आता था तो उसने काफी लूज फिट किया। संजीव के जाने के बाद वो बाथरूम में जाकर जोर से ताली बजाया। उस आवाज से टैप खुल गया और बकेट में पानी भरने लगा। अरे वाह, अमेरिकन टैप तो बहुत ही बढ़िया है। 15,000 रुपए खर्च हुआ है पर तसल्ली है। बाद में वो अपने बेडरूम के चारपाई पर बैठकर जोर से ताली बजाया। पास ही बैठे पत्नी, उसने कहा था ना कि अमेरिकन टैप है, उसे सुनाई दिया होगा, अपने आप बंद हो जाएगा, अब आप सो जाओ। पर बाथरूम में पानी रात भर गिरता रहा तो पलंग पानी में तैरने लगा। सवेरे उठकर वो डर कर, बाढ़ आ गया, अरे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। एक बार संजीव नायक एक घर के छत पर चढ़कर वहां के पाइप के लीकेज को ठीक कर रहा था। बाद में नीचे उतरकर, सर, अब से आपके घर में पानी नहीं गिरेगा, इतना टाइट सील कर दिया है, पैसे दें तो मैं चला जाता हूँ, कहकर पैसे लेकर चला गया। उस घर पर एक बूढ़ा मरने के लिए तैयार था। पास ही एक लॉयर और उस बूढ़े के दो बेटे खड़े थे। बेटा, डॉक्टरों ने कहा है कि आपके पिताजी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। ये लीजिए, आपके पिताजी का लिखा हुआ वसीयत है, हर एक को 10 लाख रुपए का जायदाद लिखा है, चाहो तो देख लो, कहकर उन्हें दिया। बड़े बेटे ने कागज देखकर मन में, अरे ये बूढ़े ने क्या किया, दोनों को बराबर बांटा, इसके मरने से पहले 10 लाख में 2 शून्य और लिखवा लेता हूँ, मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। बाद में, बापू तुम जा रहे हो बापू, कहकर उसे बिठाकर उसके कान में कुछ कहने का नाटक करते हुए, ठीक है, वाकई तुम मुझे बहुत प्यार करते हो बापू, ये लो, ये यहाँ 0 डालो, यहाँ डालो, इसके पास एक और डालो, बापू तुम भगवान हो, कहकर उसको जबरदस्ती से 2 शून्य लिखवा लिया। उसके बाद बूढ़े को छोड़ा तो बूढ़ा धड़ाम से पलंग पर गिरा। बाद में, भाई देखा ना, पिताजी ने मुझे 10 करोड़ लिखा है। वकील साहब, पिताजी ने जो लिखा है वो पैसे मेरे बैंक में जमा हो, इसका इंतजाम कीजिए जल्दी,
कहकर हट गया। हटकर खड़ा होकर खुश होकर वसीयत को देख रहा था कि एक पानी की बूंद उस कागज पर गिरी। वो जल्दबाजी में उस पानी के बूंद को पोंछा। नतीजा ये हुआ कि एक अंक जहाँ लिखा था वो पानी से मिट गया। ये देख अरे बाप रे, ये क्या सिर्फ शून्य बचे हैं, जल्दी से बापू से लिखवाना होगा, कहकर वहाँ से अंदर आया। बापू बापू ये लो, यहाँ दस्तखत करो, कहकर रोने लगा। अब क्या दस्तखत भाई, बापू को तो मरे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब तुम्हारी जिंदगी शून्य हो गई है। जो मिला उससे खुश रहते तो कम से कम वो तो बचता। जाओ शून्य के साथ ही घर चलाओ। बाद में वो बड़ा बेटा संजीव नायक को ढूंढकर उसे खूब मारा। फनी न्यूज रिपोर्टर। एक शहर में आज का झूठ टीवी चैनल पर फालतू लाल नाम का रिपोर्टर काम करता था। एक दिन एक नया रिपोर्टर ने ज्वाइन किया तो उसे देख फालतू लाल, देखो भैया आजकल न्यूज चैनल का न्यूज बॉलीवुड की फिल्म की तरह होनी चाहिए, हमारे हर न्यूज में रोमांस क्राइम ट्रेजेडी ड्रामा सब का मिश्रण होना चाहिए, वास्तव और काल्पनिक का सब मिलाकर हमको बताना चाहिए, जितना मसाला जोड़ोगे उतना TRP बढ़ेगा, समझे, ऑल द बेस्ट। एक दिन सड़क पर जा रही एक कार का संतुलन बिगड़ा और वो लुढ़क कर गिर गई। उसमें फंसा एक आदमी बाहर निकल नहीं पाया था। बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा था। तुरंत फालतू लाल वहां पहुंचा। कार में फंसा व्यक्ति, सर बचाइए सर बाहर निकालिए सर, कहने लगा। बताइए ये दुर्घटना कैसी हुई, आप कितने लोग हैं, कार चला कौन रहा था। सर पहले बाहर निकालिए, मैं अकेला हूँ, प्लीज सर। कहिए कहाँ जा रहे थे, ये दुर्घटना हुई क्यों। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बाहर निकालिए सर, प्लीज सर। देखा, लिमिट से ज्यादा तेज चलाकर दुर्घटनाग्रस्त हुई ये कार, बाहर निकालिए कहकर हाथ जोड़ता हुआ ये चालक। वैसे ये दुर्घटना हुई कैसे, उसी से पूछते हैं। याद रहे ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाया है आज का झूठ चैनल ने। सर बाहर निकालिए सर, कम से कम किसी और को तो आवाज दीजिए सर। बताइए ये दुर्घटना के समय आप नशे में तो नहीं थे, किसी पार्टी से लौट रहे थे क्या। दुर्घटना रोकने में असमर्थ पुलिस, सड़क की हालत को ठीक करने में विफल सरकार, ये हो क्या रहा है अपने समाज में। सर मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा, बहुत जरूरी और बहुत दिलचस्प विषय है मेरे पास बताने के लिए। अच्छा ये बात पहले बताना चाहिए था ना, मुझे बड़े मसाला ही चाहिए, कहकर उसे बाहर निकाला। बाद में फालतू लाल, बताइए वो दिलचस्प विषय क्या है। एक बार पूछे गए सवाल को बार बार पूछकर बेजार करने वाला एक रिपोर्टर, मुसीबत में सहायता ना करके धीरज की परीक्षा लेने वाला एक रिपोर्टर, किए गलती के लिए भारी कीमत चुकाने वाला एक रिपोर्टर, बकवास सवालों के कारण अभी पिटने वाला एक रिपोर्टर। इतना कह रहे हो पर वो रिपोर्टर है कौन। वो तू ही है बे, कहकर फालतू लाल को खूब मारा। एक बार भारी तूफान के वजह से एक सारा इलाका पानी में डूब गया। फालतू लाल नाव में बैठकर उन इलाकों की कवरेज करने के लिए जा रहा था। कुछ लोग पानी में डूब रहे थे। भैया बचाओ बचाओ भैया, कहकर आवाज लगाने लगे। यूं चिल्ला रहे एक व्यक्ति के पास जाकर फालतू लाल, कहिए इस बाढ़ में आप कैसे फंसे, बचने की कोशिश नहीं की, आपके साथ और कितने लोग पानी में डूब गए। अबे तैरते हुए तुझे इंटरव्यू देना मुझसे नहीं होगा, बाहर निकालोगे तो सब कुछ बता सकूंगा। तो देखा आपने कितने लोग तूफान में फंसे हैं, वहाँ देखिए कुछ लोग घर के छत पर चढ़े हुए हैं, उनसे जाकर पूछते हैं, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, कहकर नाव लेकर उनके पास गया। बताइए जब ये तूफान आया तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों को तूफान आने की चेतावनी नहीं दी गई क्या। सर समय पर भगवान की तरह आए हैं, कृपा करके हमें नाव में बिठा कर ले जाइए सर, आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है ब्रदर, सरकार की है, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना। बताइए इस छत पर कितने दिनों से हैं, आप तक सहायता नहीं पहुंची। सर सरकारी टीम हमारे लिए आए या ना आए, एक व्यक्ति भगवान बनकर हमारे लिए हमारे पास आया सर,
सच कौन है वो तू ही है, कहकर डंडे से सिर पर जोर से मारा तो फालतू लाल पानी में गिर गया। वे सब नाव चढ़कर वहां से चले गए। एक बार फालतू लाल एक जगह रिपोर्टिंग कर रहा था। पीछे एक घर में आधा कार घुसा हुआ था। वहां कैमरामैन कालिया के साथ फालतू लाल रिपोर्टिंग फ्रॉम बुलबुल नगर, कहकर साथ खड़े व्यक्ति से कहिए ये हादसा हुआ कैसे? कुछ नहीं सर जी, उस कार का ड्राइवर को शराब पीने की लत है। कल रात को एक और पैग ला बार में जाकर उसने पूरा पिया, फिर बिरयानी भी खाया, फिर जर्दे वाला पान लेकर कार चलाकर निकला। तभी उसकी पत्नी ने फोन किया और कहा घर जल्दी आ जाओ। फोन पर बात कर रहा था तो सड़क के बीच में एक कुत्ता आया। उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में ब्रेक नहीं लगी और वो यूं कार घर में जाकर घुस गई। अरे वाह, ये इस खबर में बहुत मसाला है। शराब है, जर्दे वाला पान, कुत्ता, फोन, एक्सीडेंट। वैसे क्या आप इस घर के मालिक हैं? नहीं सर जी। नहीं, पर सब कुछ ऐसे बता रहे हो जैसे ड्राइवर के पास बैठकर आपने सब कुछ देखा हो। वैसे आप हैं कौन? वो कार चलाने वाला ड्राइवर मैं ही था। बस फालतू लाल बेहोश होकर गिर गया।